फिजिक्स का एक डर खाता चला जाता है और लास्ट के अंदर पूरे नंबर खा जाता है नीट के अंदर। जो बायो में अच्छा स्टूडेंट होता है साइंस बायो ले लेता है। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन मैंने लास्ट मंथ में जाके न्यूमेरिकल्स करना छोड़ दिया, केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दिया। मैं सोचता था सब कर लेंगे, ऐसे टिक मारेंगे। बच्चे हम जैसे ही होते हैं, कोई डायनासोर नहीं आते वहाँ पे जो आपको खा जाएंगे। मजाक तो उड़ाते हैं रिलेटिव्स, लेकिन हमें उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेकिन जब मैं 12th में आया तो फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि मेरे को नीट भी 12th के साथ ही निकालनी है, और 1 ईयर की मैं कोचिंग भी जाने लगा। तो उस समय जब मेरे को ये लगा तो, और मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया, तो मैंने 12th और कोचिंग संभालना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि कोचिंग, स्कूल और घर, इनमें तीनों में डिस्टेंस बहुत थी। कोचिंग से स्कूल, स्कूल से घर की डिस्टेंस 5 किलोमीटर, और फिर स्कूल से कोचिंग वहाँ से 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार मैं रोज़ाना 22 से 44 किलोमीटर का सफ़र तय करने लगा। इस सफ़र ने मेरे जो पढ़ाई का टाइम था उसे डिस्टर्ब किया और मेरी परसेंटेज को भी गिराया, साथ में नीट स्कोर को भी बहुत गिराया। वो लड़का टॉपर बन गया। तो कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ना, और हमें लगता है कि यार ऐसे बन जाते हैं, हवाबाजी है ना। नहीं, हवाबाजी नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है टॉपर बनने में। हम घिस घिस के मेहनत करते हैं, टॉपर बनते हैं। हालांकि हम टॉपर नहीं, लेकिन हम उस दौर से ज़रूर गुजरे हैं जिस दौर से सब गुजरते हैं। आप भी गुजरते हो, हम भी गुजरते हैं, और ये तो सबका है, गुजरना सबको। मेरे 206 नंबर मैंने स्कोर किए नीट 2023 के अंदर। फिजिक्स को मैं जानता हूँ, फिजिक्स को पहचानता हूँ, फिजिक्स को पढ़ लेता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स सोल्व कभी नहीं करता। टालता रहता हूँ कि कल करूँगा, परसों करूँगा। टफ लगते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, अच्छे नहीं लगते। शुरू में कर रहा था, 5-10 करता था, फिर 5-10 किया, फिर 5-10 किया, फिर लास्ट टाइम मैंने न्यूमेरिकल्स करना बंद कर दिया। एक महीने, जब 1 महीना रह गया तब मैंने न्यूमेरिकल्स किए ही नहीं। बाकी पूरी साल मैंने किए होंगे, ये इतने तो किए होंगे कि 10, 20, 30 नंबर आ जाए फिजिक्स के अंदर। वैसे बोरिंग ऐसे लगने लगी है ना, कोचिंग सब छोड़ देते हैं, बस लास्ट टाइम में टेस्ट लेते रहते हैं और बस मोटिवेशन देते रहते हैं। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम में ज़रूरत होती है एक कॉन्स्टेंट पढ़ने की, खुद पढ़ने की ज़रूरत होती है, और वो हम नहीं पढ़ते। हवाबाजी में रह जाते हैं कि यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हैं शॉर्ट्स। आजकल तो यूट्यूब खोलता हूँ, शॉर्ट्स आना शुरू कर देते हैं, और फिर पता नहीं कब 1-2 घंटे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हालांकि फिर भी मैं तो फ़ोन कम ही चलाता हूँ। फिजिक्स का एक डर खाता चला जाता है और लास्ट के अंदर पूरे नंबर खा जाता है नीट के अंदर। मैं सोचता था सब कर लेंगे, ऐसे टिक मारेंगे, ये होगा ये होता है। आप ऐसे सोचते हो ना कि ऐसे टिक मार दे, ऐसे ऐसे टिक मार दे, नंबरिंग होती है वहाँ पे, पता ही नहीं चलता। मैं ऐसे नीचे गया, बुक करने लगा, और 4 बजे, और पेपर भी शाम के टाइम होता है। बच्चे हम जैसे ही होते हैं, कोई डायनासोर नहीं आते वहाँ पे जो आपको खा जाएंगे। जो बच्चा नीट 2024 करने वाला है ना, वो शॉर्ट्स नहीं देखेगा कि यार ये शॉर्ट देख लिया, बिफोर नीट, आफ्टर नीट। फिजिक केमिस्ट्री तो मुझे आता ही नहीं था, इसलिए मुझे टफ लगेगा ही लगेगा। बाकी बायोलॉजी तो मेरी फेवरेट है, तो आएगी, वो तो मैंने की। सब उसी को पूछते हैं जो रैंक बनाता है। किनारा है हमारा 720, उस तक ना पहुँचे तो दुनिया ना पूछे कि क्या हो तुम। तो 720 पहुँच जाओगे तो सब तैयार हो जाएंगे। ये हमारी कोचिंग का बच्चा है, हमारी कोचिंग का बच्चा है। कितनी, देखो मेरा तो एक ही कहना है, कितनी बड़ी कोचिंग कर लो, पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। चाहे नीट 2024 दो, 25 दो, 26 दो, एनीवन कुछ भी दो, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। टीचर तो पढ़ा देगा, उसका तो काम ही क्वेश्चन बताना है। तुम कितना आता है, तुम कितना सीख रहे हो, ये जरूरी है। मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मुझे सफलता मिली, उन गलतियों को कभी मत दोहराना जो तूने पिछले साल की थी। इस बार कुछ नए अंदाज में, अपने तरीके से 100+ एफर्ट लगा के तू नीट 2024 जरूर कर देगा बेटा। टीचर का तो काम है पढ़ाना,
तुम्हारा काम क्या है कमेंट में बताओ।